हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो कीपैड वाले सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं इनमें जो हार्ड शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि पूरी तरीके से जो फ़ोन शॉर्ट नहीं रहते उनको अपन लोग कैसे ठीक करेंगे। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हाफ शॉर्टिंग का वीडियो बनाइए सर, तो मैं वो बना रहा हूँ आज आप लोगों के पास। और ये एक्चुअल में मेरे पास सैमसंग का एक बेसिक फ़ोन है। ये अपन लोग पूरे मोबाइलों की शॉर्टिंग सीखेंगे, चाहे वो बेसिक फ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा बेसिक फ़ोन से ही करनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बेसिक फ़ोन से सिखाऊंगा जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाओ। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मल्टीमीटर से टेस्ट करवाता हूँ ये कितना शॉर्ट है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले ले जाएंगे शॉर्टिंग पे, देख सकते हैं एक पिन ग्राउंड और एक पिन प्लस, आप देख सकते हो 5 और 4 98 के आसपास रीडिंग आ रही है। अब इसे जस्ट अपोजिट करते हैं तो सेम इधर भी आ रही है 903 और 892। जबकि अगर ये फ़ोन सही होता तो इसमें दोनों तरफ शॉर्टिंग नहीं बताता है, एक तरफ 3 पॉइंट कुछ बताता है और एक तरफ 1200 आने के बाद ऑटोमेटिकली हट जाता है मीटर की रीडिंग। तो सबसे पहले तो अपन लोगों को फ़ोन चेक करना होता है कि फ़ोन पे कहीं पे वाटर डैमेज है इस कंडीशन में या कोई कंपोनेंट जला हुआ है। तो अपन लोगों को जो आईसी वाला सेक्शन है इसे ओपन करके देख लेते हैं, और मतलब कि पूरी तरीके से फ़ोन को आप ओपन करके सर्च करेंगे कि कहीं पे कुछ वाटर डैमेज गया हो या कुछ शॉर्टिंग वॉर्टिंग दिख रही हो आपको नॉर्मली, उसे देखेंगे। उसके बाद अगर ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे कि ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये एक्चुअल में कीपैड वाले कंपोनेंट्स हैं, इनकी वजह से शॉर्टिंग नहीं होती है, रेजिस्टेंस है ये, पर हो भी सकती है, कुछ कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनकी वजह से शॉर्टिंग होती है। मैक्सिमम जो शॉर्टिंग इस पर पाई गई है मैंने देखा है इस मॉडल पे, ज़्यादातर वो चार्जिंग जैक की जो है से होती है, बिकॉज इसकी चार्जिंग वाली जो जैक की पिनें होती हैं कई सारी और काफ़ी पास पास में होती हैं। जैसे आप लोग पास से देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपको हल्का हल्का वाटर टाइप का कुछ निशान भी दिख रहे होंगे, आप लोग आई थिंक समझ पा रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप लोग लाइन्स देखें एकदम हल्का हल्का कुछ जमा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस जैक को रिमूव करेंगे। अब इस शीशे को एकदम से क्लीन करेंगे। मैं इस कॉटन पे हल्का सा पेट्रोलियम का यूज़ करके इस जैक को साफ़ कर रहा हूँ, जैक की जो पिन आउट्स हैं। और भी कहीं पे आसपास अगर मुझे जैसे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स पे कुछ दिख रहा था जमा हुआ वाटर, उसे क्लीन करेंगे। अब इसकी दोबारा से शॉर्टिंग चेक करते हैं। थ्री फाइव फाइव एक तरफ हवा आने लगा है जो कि नॉर्मल है, लेकिन अपोजिट साइड अभी भी शॉर्टिंग ही बता रहा है। अब इसमें इसका आगे का सेटअप करते हैं, यहाँ पे जूम करो, हाँ करो। यहाँ पे आप ये दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं जो सीपीयू के बगल में लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, और इन पे हल्का हल्का मुझे कार्बन लगा हुआ दिख रहा है दोनों की तरफ और गले हुए भी हैं, तो इन्हें भी रिमूव करके देखते हैं। लेकिन अभी भी शॉर्टिंग इसकी नहीं हटी है। अब इसके कुछ कैपेसिटर्स को और चेक करेंगे।
एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर्स ग्राउंड नहीं होते हैं उन्हें बिल्कुल भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो शॉर्टिंग थी वो इसकी नेटवर्क आईसी पीएफ से थी। एक्चुअल में जो इसका पीएफ होता है यहाँ पे ही पावर सप्लाई आती है, ये आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट पावर सप्लाई आ रही है मल्टीमीटर पे, इस बड़े वाले कैपेसिटर पे आती है। तो एक्चुअल में जब मैंने सभी जगह से पूरे इसकी पावर का सेक्शन जहाँ जहाँ जाता है, चाहे वो चार्जिंग आईसी थी, कुछ कैपेसिटर थे, कुछ डायोड थे, ये चार्जिंग आईसी थी, कुछ कैपेसिटर से सीपीयू के आसपास के थे, उनको सबको जब मैंने रिमूव किया उसके बाद भी जब शॉर्टिंग नहीं हटी, तब इसमें क्या होता है कि पीएफ होता है पावर एम्पलीफायर, उस पर क्या होता है कि जो सप्लाई होती है पावर की वो भी इस पर जाती है। तो उसे रिमूव करके जब मैंने देखा तो भी इस पर शॉर्टिंग हट गई। आप लोग देख सकते हो एक बार अच्छे तरीके से फिर से, जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली हट चुकी है। तो अब क्या करना है, मुझे इस आईसी को, इस पीएफ को अच्छे तरीके से क्लीन करके दोबारा लगाना है, या तो मुझे ऐसे ही कुछ ही डेड बोर्ड से एक नया पीएफ उतार के दूसरा इस पर लगाना होगा, और ये बाकी के कंपोनेंट्स मैंने उतारे हुए थे इन्हें मैं वापस से ही ऐसे ही फिक्स कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना हो तो मैंने पिछले वीडियोस पे भी आप लोगों को कमेंट किया था, तो आप लोग आ सकते हो, सीख सकते हो। रीवा में मेरा इंस्टीट्यूट है जो ओपन होने वाला है, तो आप लोग आके सीख सकते हो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।